नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी 3% का इजाफा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर के मुनस्यारी में खराब मौसम के कारण हुई आपात लैंडिंग। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी साथ, सभी लोग सुरक्षित। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने देहरादून में लॉन्च की सिकदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला। प्रदेश की खाद्य विशिष्टता वाले गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्री का भी अनावरण। देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में आरंभ हुई अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र एथलेटिक्स मीट। PSU की इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं 92 खिलाड़ी। और नई टिहरी में आयोजित प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले में बड़ी संख्या में उमड़े प्रशिक्षित युवा। 11 कंपनियों में 600 पदों पर युवाओं की अप्रेंटिसशिप के बाद दिया जाएगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट में केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर दाल में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं में कॉस्ट से 100% यानी कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल। आप देखो, गेहूं की कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 1182 और MSP कितनी है 2425, यानी प्रैक्टिकली डबल। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की भी घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि भत्ते में वृद्धि का लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। आज कैबिनेट ने DA और पेंशनर्स के लिए DNS रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के रालम में खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनके PSO और प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद जिला मुख्यालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी खुद पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और सैटेलाइट फोन के माध्यम से उनसे समय समय पर बात हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम खुलने पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है
प्रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुंशियारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में तीन लोग हैं जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं, इसके अलावा हेली टीम है, सभी लोग सेफ हैं। और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, तीन चार बार बात हो चुकी है, सेटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं, मौसम खुलेगा उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। वहीं कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ मौजूद लोगों के रेस्क्यू के लिए तीन टीमों को रालम के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें हमारे जो दल हैं वहाँ पे तीन अलग अलग जगहों से रालम के लिए निकल रहे हैं, जिसमें एक दल तो मिलम से आ रहा है, दूसरा आपका लिलम से आ रहा है और एक पातों से आ रहा है। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें उम्मीद है कि अगले 7-8 घंटों में जो हमारी टीम्स हैं वो रालम तक पहुंच जाएंगी, जिनके पास रेस्क्यू कार, खाने पीने का बाकी सामान भी है, और अगर मौसम खुलने की कोई भी गुंजाइश दिखती है और फिर तो हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन से ही मिलम में या वापस मुंशियारी में आया जा सकता है। तो कुल मिला के हमारे जो दल हैं ये ऑन द वे हैं। और इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं अपने पिथौरागढ़ संवाददाता राकेश पंत के पास। राकेश, आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर ने रालम में इमरजेंसी लैंडिंग की है, उनके साथ प्रदेश के अपर जो हमारे चुनाव अधिकारी है वो भी थे, विजय कुमार चोकडंडे। मौसम खराब की वजह से ये जो है इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, हालांकि अभी भी वहां पर मौसम काफी खराब है। जो ताजा अपडेट है वो ये है कि मुंशियारी और रालम के पूरे क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, मौसम काफी खराब है, तो अभी तक उनका हेलीकॉप्टर जो है उड़ान नहीं भर पाए हैं, हालांकि अभी अंधेरा काफी हो गया है। और जिला प्रशासन ने जो तीन टीमें हैं आसपास के गांवों से वो रवाना की है रालम के लिए, लेकिन सूचना यह है कि जो टीमें हैं वो करीब रात 12 बजे के आसपास उनके पास पहुंचेगी, तो तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है और उनकी टीम को, पूरी टीम को वहां पर रालम में ही रहना पड़ेगा, और उनकी व्यवस्था के लिए जो टीमें हैं वो ही सारे सामान के साथ वहां गई है। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही है, मुंशियारी का जो हेलीपैड है वहां पर भी टीम तैनात कर दी गई है, ताकि कोई इमरजेंसी हुई और उनको हेली रेस्क्यू करना पड़ा तो वो भी, उसकी भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही साथ जो अन्य टीमें हैं जिला मुख्यालय से भी एक टीम पीडीओ के नेतृत्व में रवाना की गई है, तो लेकिन जिलाधिकारी का ये कहना है कि लगातार सैटेलाइट फोन के माध्यम से उनसे बात भी हो रही है, और वो लोग फिलहाल जितने भी लोग हेलीकॉप्टर मौजूद थे सभी लोग सुरक्षित हैं। जी जी राकेश, आबादी से ये जो क्षेत्र है जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कितनी दूर है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये जो लैंडिंग हुई है रालम गांव में हुई है, और रालम गांव जो है वो माइग्रेट गांव है, वहाँ के लोग जो है वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, तो अभी स्थिति है कि उस गांव में कोई रहता नहीं है, तो जो गांव है कुछ ही मीटर की दूरी पर वो गांव है जो हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, लेकिन गांव में फिलहाल कोई है नहीं और गांव के लोग नीचे आ चुके हैं, और जो आसपास के गांव हैं वो करीबन 10-20 से 25 किलोमीटर दूर वो सारे गांव हैं, और वहां के लोगों को रेस्क्यू के लिए अलग अलग जो गांव हैं तीनों ओर से जो गांव है उन लोगों को वहां भेजा गया है, उन लोगों की अलग अलग टीम बनाकर भेजी गई है। तो फिलहाल उनके जो गांव में रहने की व्यवस्था है फिलहाल यही है कि वो किसी तरह किसी घर में ताला तोड़कर वहां जाएं और वहां रात बिताएं, जब तक टीमें नहीं पहुंचती या जब तक मौसम साफ नहीं होता वहां जाकर उस तरह ले सकते हैं। जी राकेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पर्यटन विकास परिषद और दून बेकर्स एसोसिएशन की सिकदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला का अनावरण किया। इन उत्पादों की श्रृंखला में सिकदर नाम से केक, पेस्ट्री और कुकीज शामिल हैं। इन उत्पादों को तैयार करने में हिमालयी क्षेत्र की विशेष सामग्री जैसे सी बकथॉर्न, गोजी बेरीज, केसर और विभिन्न प्रकार के मिलेट्स का प्रयोग किया गया है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। यह बेकरी उत्पाद महान त्रिकोणमिति विशेषज्ञ राधानाथ सिकदर की स्मृति को समर्पित करते हुए उनके नाम के साथ पेश किए गए हैं। राधानाथ सिकदर ने पहले पहल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्तराखंड की खाद्य विशिष्टता को दर्शाने वाली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्री का अनावरण भी किया।
गढ़वाली पेस्ट्री वेनिला एसेंस आधारित पेस्ट्री है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य पुष्प बुरांश का स्वाद है। वहीं कुमाऊनी पेस्ट्री को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई के साथ चॉकलेट के स्वाद का मेल कर बनाया गया है, जबकि जौनसारी पेस्ट्री में दूध और अखरोट का उपयोग किया गया है। ये सभी उत्पाद राज्य की सभी बेकरी, कैफे और होटलों में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास होंगे, ताकि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकें। राज्यपाल ने कहा कि देहरादून और उत्तराखंड अपने खाद्य उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनकी अलग ही मांग है। आज बहुत सुंदर लगा कि आज हमने राधानाथ सिकदर जी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का मापन किया था, उनके नाम से पेस्ट्रीज और केक बनाया। आज हिमालयस के रूप में जो केक बनाया था, अपने आप में इतना विशाल और दिव्य लग रहा था। और इसके अलावा स्वामी कार्तिक जी के नाम से भी एक बहुत ही सुंदर केक बनाया है। द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट वॉज कि आज जो पेस्ट्रीज को लॉन्च किया गया है, उसके अंदर में गढ़वाल पेस्ट्रीज, कमाऊं पेस्ट्रीज और जौनसरी पेस्ट्री को दिखाया गया है, जिसके अंदर में हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बुरांश, हमारे बाल मिठाई और अखरोट जो जौनसर के हैं, उनको भी दिखाया गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज लॉन्च किए गए उत्पादों को राज्य की सभी बेकरी, कैफे और होटलों में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटक राज्य के किसी भी हिस्से में इन व्यंजनों का स्वाद ले सकें। तीन पेस्ट्रीज, गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्रीज को लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य में जो बुरांश का फूल है, उसका फ्लेवर देते हुए हमने गढ़वाली पेस्ट्री को लॉन्च किया है। वॉलनट अखरोट जो होता है, ये जौनसार भाबर में काफ़ी पाया जाता है, तो अखरोट की पेस्ट्री को लेकर के जौनसारी पेस्ट्री और अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है, उसके फ्लेवर को लेकर के हमने कुमाऊनी पेस्ट्री को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ सिकदर की जो रेंज है, जिसमें सिकदर कुकीज़, सिकदर ड्राई केक, सिकदर पेस्ट्रीज और सिकदर केक को भी लॉन्च किया है। अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र एथलेटिक्स मीट आज देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आरंभ हुई। 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली स्पोर्ट्स मीट में भारत सरकार के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में कार्यरत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 92 खिलाड़ी जोर आजमा रहे हैं। प्रतियोगिता की आयोजक संस्था LIC के क्षेत्रीय प्रबंधक PS नेगी ने विभिन्न टीमों के मार्च पास्ट की सलामी दी। ये आप जैसे देख रहे होंगे कि आज ही इसका प्रारंभ शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा किया गया। ये अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों के एथलेटिक्स मीट है, और ये कार्यक्रम आज 16 से 18 तक 3 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो PSU सेक्टर के हमारे जैसे कोल इंडिया है, एयर इंडिया है, इतने तो इनके 92 एथलीट इसमें सहभागी हैं। और ये सीधा सा ये उद्देश्य है कि जैसे कि मोदी जी का भी लगातार है कि स्वस्थ जीवन के प्रति हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस, योर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्रांटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउसमेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलेंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का।
नई टिहरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले में प्रशिक्षित बेरोजगारों की भीड़ उमड़ी। इस मेले में औद्योगिक क्षेत्रों की 11 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इन कंपनियों में 600 पदों पर युवाओं को अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, जिसके बाद युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स के लिए ऑफर है, कुछ ऑप्शनल ट्रेड्स के लिए भी है जिसमें बीए बीएससी और एनी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, जैसे केबी इंटरनेशनल है, ये लोग हर ट्रेड को ले रहे हैं। इस मेले में आए कौशल विकास एवं सेवा योजन के संयुक्त निदेशक ए.के. त्रिपाठी ने कहा कि कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट लेती हैं, जिसके बाद उनका चयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अच्छा अवसर है। नई टिहरी के अलावा हल्द्वानी में भी इस तरह के मेले का आयोजन किया गया। इसमें इंडस्ट्री अपने डिमांड के अनुसार बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है, फिर इंटरव्यू लेती है, फिर उनको अप्रेंटिस के माध्यम से नैप जो हमारी स्कीम भारत सरकार की है उसके तहत उनका चयन करके अपनी कंपनी में ले जाती है और उनके एक साल में अप्रेंटिस स्कीम के तहत देने के बाद उनको अच्छे रोजगार भी अपने कंपनी में दे देती है अनुभव के आधार पर। जिन बच्चे वहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पाते वो बच्चे अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पर दूसरे इंडस्ट्रीज में अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये रोजगार प्राप्त करने के अनुसार बहुत ही अच्छी स्कीम है। उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा के धौंतरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 62 लाभार्थियों को चेक का वितरण किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने उन्हें चेक प्रदान किए। वहीं सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से फर्नीचर और बर्तनों के लिए 6,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि भेंट की गई। गंगोत्री विधायक ने कहा कि जो लोग वंचित रह गए हैं उन्हें भी जल्द इस योजना का लाभ मिलेगा। जो आवास विहीन लोग थे उनके द्वारा बना दिए गए हैं और उनके उसके अच्छे व्यवस्था के लिए 6,000 रुपए का एक चेक हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया। अब लगातार जो लोग छूट गए हैं दोबारा पुनः उनकी सर्वे का कार्य शुरू हो गया है और मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि जो कोई गाँव में बिना आवास के है या उसका कच्चा मकान है उसको चयनित करने का और उसकी वो टीम जो है देखे जाके जो है निरीक्षण करेगी और अब पोर्टल खुलने वाला है तो उन लोगों को भी नया आवास मिलेगा। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली इस सौगात से लाभार्थी बेहद खुश हैं, साथ ही राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनराशि मिलने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई। के लिए आवास नहीं थे उन लोगों में जो है बहुत खुशी है और लोग सोच रहे हैं कि चलो हमारे एक रहने का ठिकाना जो हमारे माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि गरीब व्यक्ति भी जो है अपने आवास में अपने रहने का उसका एक ठिकाना बन जाएगा तो इससे लोग बहुत खुश हैं। उसके अलावा जो है उत्तराखंड सरकार माननीय धामी जी और माननीय विधायक जी के द्वारा जो है 6,000 उनको जो है घर में फर्नीचर और बर्तनों के लिए दिए गए हैं उसके उससे भी लोगों के खुशी है कि चलो मकान आवास हो गया और अगर हमारे जो है बर्तन और अन्य सामग्री के लिए भी जो है हमें जो है जो भी सरकार के द्वारा जो धन वितरित किया उससे लोगों में बहुत हर्षोल्लास है। बागेश्वर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गणित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों को बताया गया कि गणित मैनुअल लैब से दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ रहे सुविधाहीन बच्चों में किस तरह से इस विषय के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। कार्यशाला में जिले के तीनों विकासखंडों के 40 प्रतिभागी शामिल रहे। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने गणित और भौतिक विज्ञान के बीच के अंतर, गणित का जीवन में सामान्यीकरण व अनंत की अवधारणा के बारे में सरल विधियों से शिक्षकों को बताया गया। साथ ही कार्यशाला में सीखी गई गणितीय गतिविधियों के जरिए गणित विषय को रोचक बनाने पर भी जोर दिया गया। जो हमारे साथी शिक्षक साथी एलटी में है और जो इंटर कॉलेजेस में है वो प्रतिभागी थे तो उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट तैयार करके लाया था कि उनको जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मूल्यांकन का आधार यही रहा कि जब मैं था तो मुझे क्या क्या परेशानियां आती होती, मैं खुद भी बहुत सारी जगहों पर नहीं समझ पाता था तो वो सब मैंने नोट किया, 2-3 दिन का बनाया था कंटेंट और मुझे लगता है जिस तरह से फीडबैक अभी मिला है कि शायद वो लोग सेटिस्फाइड थे, वो सीख पाए
और अगर वो बच्चों तक पहुंचता है तो इस पूरे कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। गणित की यह कार्यशाला थी और ये लगातार 2017 से लगातार जनपद बागेश्वर में हो रही है। इसका मकसद है कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, जिसमें प्राथमिक के अध्यापक, जूनियर के अध्यापक, एलटी के अध्यापक और प्रवक्तागण इसमें जुड़े रहते हैं और तीनों ब्लॉकों के हम लगभग समान शिक्षकों को यहाँ पर लेते हैं, जिनके साथ हम पूरे वर्ष भर में आयोजित होने वाली गतिविधियों के संदर्भ में बातचीत करते हैं। गणित के विषय में क्या नवाचारी कार्य हमारे अध्यापक पूरे जनपद में कर रहे हैं और किस तरीके से उनको पूरे जनपद के विद्यालयों तक, विद्यार्थियों तक ले जाएंगे, उसकी एक रूपरेखा तय होती है। हर्बर्टपुर स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में आज जिले के 17 पीएमश्री विद्यालयों की जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, क्विज व डिजिटल क्विज, क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता और डिजिटल खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जहां से चयनित प्रतिभागी को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत व विशिष्ट अतिथि के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी विनीता रावत मौजूद रहीं। पीएमश्री के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में संपूर्ण जनपद के पीएमश्री स्कूलों की ये पहली प्रतियोगिता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। इस प्रतियोगिता में कुल 17 विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 14 विद्यालय माध्यमिक के हैं और 3 विद्यालय हमारी प्राइमरी स्तर के हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये पहली प्रतियोगिता है विद्या वैभव, दूसरा है मंथन मंडल, तीसरा है क्विस्ट और चौथा है डिस्कवर लोकल साइट्स। इन प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, बच्चे अपने प्रतिभा, जो उनके अंतर्गत प्रतिभाएं छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहां पर करेंगे और उसके माध्यम से वो राज्य स्तर पर फिर प्रतिभाग करेंगे। पीएमसी भारत सरकार का एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को जो कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस उनको बना रही है, उसी के तहत पीएमश्री विद्यालय भी जो है हमारे देहरादून में भी जो है वो पीएमश्री विद्यालय बने हैं और जितने विद्यालय भी पीएमश्री बने हैं उनकी यहाँ पर आज जो है प्रतियोगिताएं हो रही। भाषण प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज राजपुर प्रथम, राजकीय हर्बर्टपुर द्वितीय रहे। खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई प्रथम और राजकीय इंटर कॉलेज कालसी द्वितीय रहे। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो मेरे दूसरे पीएमश्री स्कूल के साथ हैं, मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, खेल कूद, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता। इससे हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ अगर हम खेल कूद में या ज्ञान की चीजों में उलझे रहेंगे तो हम नशे और जो दुर्व्यवहार है उनसे भी दूर रहेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे आर्ट्स में, क्राफ्टिंग में और लोकल साइट डिस्कवर और यहाँ पे ना गेम्स के बारे में बताया जा रहा है। ये स्कूल हमारा ये पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज और यहाँ पे जो सारा व्यवस्था की है ये सब हमारे सब मिलकर हमारे स्कूल के अध्यापकों की है और जो प्रिंसिपल है उन सब ने करा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल को अपने महान कार्य के लिए और सर वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए हमारे कार्य है वो भी चाह रहे हैं कि हम सब इस तरह से अपना बच्चों का ध्यान एक्ट करें, उसकी तरफ पढ़ाई के साथ साथ खेलों भी करें। बहुत अच्छा। जूना अखाड़े की पुरातन छड़ी यात्रा आज हरिद्वार से रवाना हुई। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, महामंत्री महंत हरिगिरी और महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने छड़ी यात्रा का स्वागत किया। बताया गया है कि इस बार ओम पर्वत तक छड़ी यात्रा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यता है कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से आदि गुरु शंकराचार्य ने छड़ी यात्रा की शुरुआत की थी। हर साल यह छड़ी यात्रा चारों धामों के साथ ही उत्तराखंड के तमाम मठ मंदिरों में जाती है। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने बहुत प्रयास किया है
ये छड़ी यात्रा जो दोबारा जो शुरू हुई है, ये हमारे हरिगिरि जी महाराज की देन है और इनका पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे SC ST OBC जितना भी समाज हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति है, इनका पूरा प्रयास है हम सब सनातनी एक हो जाएं और जो उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है वहाँ पे मठ बने, मंदिर बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने ताकि सबको रोजगार प्राप्त हो। पूरी संसार में, पूरी दुनिया में जो रह रहे सनातनी हैं, उनको एक संदेश मिलेगा कि भारत के साधु संत कितने जागरूक रहते हैं, भारत के संत, भारत के साधु संत कितने सामाजिक रहते हैं, भारत के साधु संत परंपराओं को लेके कितना उत्सुक रहते हैं, उसको लेकर यह छड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज माया देवी क्योंकि हरिद्वार की आराध्य देवी है, हरिद्वार की माया देवी आराध्य देवी है, उनके पावन चरणों में यह छड़ी स्थापित करके मेरे द्वारा यह छड़ी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी को और प्रेमगिरि जी महाराज को सुपुर्द की गई, उनके द्वारा यह छड़ी सभी प्रतिनिधियों को दी जाएगी और उनके द्वारा यह छड़ी आज से उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करेगी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरि का कहना है कि पिथौरागढ़ के ओम पर्वत क्षेत्र में कैलाश यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जहां उत्तराखंड समेत विभिन्न क्षेत्रों के छात्र अध्ययन को आ सकेंगे। सिक्स लेन रोड कहाँ वो पहाड़ तक, पिथौरागढ़ से जनकपुर से सिक्स लेन रोड जो है वो पहाड़ पे है, बद्रीनाथ में समझिए जैसे यात्रा था केदारनाथ का, आने वाले दिनों में ओम पहाड़ पे AMC बनेगा। प्रधानमंत्री चले गए हैं, आरती कर दिए हैं और कैलाशानंद जी महाराज के द्वारा वहाँ यूनिवर्सिटी कैलाश यूनिवर्सिटी के नाम समाप्त। अरे क्या बात, और समझिए जब वहाँ शिक्षा चला गया और उसके बाद एम्स भी रोपीटकल मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापना करेंगे, कहाँ, ओम पहाड़ पे, कि लोग हल्द्वानी से पढ़ने के लिए वहाँ जाएं, लोग हरिद्वार से केदारनाथ जाएं, ये इच्छा थी और है महाराज के संकल्प से पूरी हो। माया देवी, अधिष्ठाता देवी, मैं आशावादी थे, हैं, रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरा भारत पोर्टल सेवा ही से सीखें अभियान के तहत अल्मोड़ा में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवा समन्वयकों का चयन कर उन्हें जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत 15 साल से 29 आयु वर्ग के युवाओं को आयुष्मान कार्ड, ऑफिस प्रबंधन, आपात सेवा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आभा ऐप के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके बाद युवा अस्पताल पहुँचने वाले लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मौका मिला है अस्पताल में, किस तरीके से प्रशासन अस्पताल में काम कर सकते हैं, युवा अपनी भागीदारी किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से ELP के तहत वो सीख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कौन कौन से कार्य हैं, कि कभी जरूरत पड़े तो किसी की मदद कर सकते हैं, फर्स्ट एड किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे, कब उसकी जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से जो हमारे PM आयुष्मान के कार्ड बनने हैं उनका लाभ किस तरीके से जनता तक पहुँच सकता है। तो जो युवा है अगर इसे पूरी जानकारी होगी कि अस्पताल में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, किस किस तरीके से ये और युवाओं की मदद या फिर और जितने भी जनमानस हैं जिले भर में उनकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, तो इस बारे में पूरा ये कार्यक्रम एक महीने का चला है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।